डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड ट्रस्ट me, दिस स्टोरी विल ट्रूली हेल्प यू टू इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश Now यू कैन सी द टाइटल ऑफ दि स्टोरी The एंट एंड द डब अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने इसको प्रोनाउंस किया है द डब अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर दी बोला है और यहां पर द बोला है ऐसा क्यों क्योंकि एंट में जो साउंड आ रहा है दिस इज अ and साउंड एंड it इट विल बी the Ant. और दूसरी ओर यहां पर जो डब में ड का साउंड आ रहा है दैट्स व्हाई इट्स साउंड तो अभी से प्रोनाउंस करेंगे द डब सो सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे एंड आई गारंटी यू आफ्टर रीडिंग इट यू कैन स्पीक इन योर ओन वर्ड्स इफ यू फॉलो द टिप्स एंड द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सो लेट्स गेट स्टार्टेड सी वन हॉट डे एक गर्म दिन एंड एंड टू वॉ सर्चिंग फॉर सम वॉटर एन एंड आप देख सकते हैं हमने एन एंड क्यों कहा एंड क्यों नहीं कहा यहां पर क्योंकि जब भी किसी नाउन का जिक्र फर्स्ट टाइम होता है ना तो वहां पर आपको आर्टिकल में ए और एन लगाना होता है जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है द आपको बिगनिंग में कभी नहीं लगाना होता ये बात आप नोट करें दूसरी बात यहां लिखा है वॉज सर्चिंग फॉर सम वॉटर कौन सा टेंस है पास कॉन्टीन्यूस टेंस टेंस की भी समझ को साथ में लेकर चले आप वन हॉट डे एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वॉटर आफ्टर वॉकिंग अराउंड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर इधर उधर कह सकते हैं हम लोग आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद शी केम टू अ स्प्रिंग वो कहां पहुंची एक झरने के पास देखो भाई स्प्रिंग के बहुत सारे मीनिंग होते हैं स्प्रिंग का मतलब झरना भी होता है स्प्रिंग का मतलब जो हिरण का बच्चा होता तो है उसको भी कहते हैं स्प्रिंग का मतलब एक सीजन भी होता है बसंत ऋतु जो होती है उसको भी स्प्रिंग कहा जाता है तो स्प्रिंग और एक स्प्रिंग का मतलब उछलना भी होता है स्प्रिंग करके जो व्यक्ति ऐसा उछलता है तो एक ही वर्ड स्प्रिंग के चार मीनिंग है भाई spring, तक पहुंचने के लिए, एक आपका नाउन फ्रेज है strength, जिसका मतलब यहां पर निकल रहा है आपका ब्लेड ऑफ ग्रास घास का तिनका शी हैड टू क्लाइम उसको चढ़ना पड़ा क्लाइम का मतलब चढ़ना और हैड टू कोई भी काम आपको करना पड़ा उस सेंस में तो उसको एक घास के तिनके पर चढ़ना पड़ा वॉल मेकिंग हर वे अपने रास्ते में आगे बढ़ने के दौरान शी स्लिप्ड वो फिसल गई आप देख सकते हैं सिंपल टेंस स्लिप की सेकंड फॉर्म आई है स्लिप्ड शी स्लिप्ड एंड फेल इन टू द वॉटर पानी में क्या हो गई वो गिर गई यहां पर फेल जो है फॉल की सेकंड फॉर्म है फॉल फेल फॉलन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, है ना तो यहां आपने फेल यूज किया है इन टू क्यों लगाया है जब भी कोई चीज कहीं पर गिरी है तो ऑब्वियसली उसमें गति की होगी इसलिए फेल इन टू वॉटर पानी में गिर गई वो है ना कुड है ड्रॉन यहां पर एक नई वर्ब आपको देखने को मिल रही है ड्रॉन डी आर w एन इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रॉन ये वॉब का मतलब होता है डूबना है ना शिकुड वो डूब सकती थी इफ अ डब यदि एक बदक ने सॉरी डब का मतलब जनरली पिजन के तौर पर यूज होता है कबूतर होता है एक टाइप का और वन काइंड ऑफ वर्ड यू कैन से तो एक डब ने नियर बाय ट्री जो किस पर था पास के पेड़ पर हैड नॉट सीन हर उसको देखा होता तो पूरे सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है वो एक पॉसिबिलिटी को शो ऑफ करने वाला सेंटेंस है से वो डूबी नहीं थी शी कुड हैव ड्रॉन वो डूब सकती थी इफ अ डब यदि एक बदक ने अपर बाय ट्री जो पेड़ के ऊपर था पास के पेड़ के ऊपर था हेड नॉट सीनर उसको देखा होता अगर वो कबूतर डब उसको नहीं देखता तो वो डूब जाती सीइंग दैट यह देखकर कि यहां पर यह जो सींग लगा है दिस इज वर्किंग एज अ की सिचुएशन हुई वहां पर सो सी दैट यह देखकर कि द एंड इन एंडल एंड किसमें है परेशानी में है तो जब भी कोई वर्क वर्ब इस तरीके से आईएनजी लगकर तुरंत कहीं पर आ जाती है तो याद रखिए वो करके का मतलब देती है स्टूडेंट तो सींग दैट यह देखकर कि द एंड वॉज इन ट्रवल चिटी किसमें परेशानी में है द डव क्यूकली क्यूकली एडवर्ब प्लग्ड ऑफ प्लग का मतलब होता तोड़ना ऑफ मतलब होता से Pluck off a leaf. एक पत्ती को क्या किया तोड़ा एंड ड्रॉप डिट और उसको ड्रॉप किया ये देखो V2 की कहां किया? इन टू पानी में किसके पास? पास संघर्ष करती हुई चीटी के पास में। वर्ड स्ट्रगलिंग इज पार्टिसिपल जिसका मतलब हो रहा है संघर्ष करती हुई चीटी थोड़ा ध्यान दीजिएगा टेंस नहीं ये आपका कौन सा है प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एक बार पूरे सेंटेंस की हिंदी फिर से मैं बताता हूं ध्यान दीजिएगा यह देखकर कि चीटी किसमें है ट्रबल में है परेशानी में है द डब क्यूकली प्लग ऑफ अ लीफ डब ने तेजी से एक पत्ती को तोड़ा एंड ड्रॉप डीड और उसको ड्रॉप किया एंड टू द वॉटर पानी में नियर द स्ट्रगलिंग एंड संघर्ष करती हुई चीटी के पास में आगे द एंट मूव्ड टुवर्ड द लीफ एंट जो है वो किसकी ओर मूव हुई लीफ की ओर एंड अप देयर और उस लीफ के ऊपर क्लाइम हो गई क्लाइम आपका मतलब होता है पर चढ़ जाना उस पर चढ़ गई वो है ना सुन इट कैरीड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड और यहां पर ये यह जो इट प्रोनाउन लगा ना स्टूडेंट ये इट आपको पता होना चाहिए चीटी के लिए नहीं लगा ये इट इस लीफ के लिए लगाया है कि लीफ ने पत्ती ने उसको कैरी करके ले गया हर किसको को को सेफली मतलब सुरक्षा से टू ड्राई ग्राउंड किसकी ओर सूखे मैदान की ओर तो जहां भी टू लगता है ना याद रखना टू का मतलब होता है टूवर्ड जैसे आप बोलते हो ना गोइंग टू मार्केट तो ये टू डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है तो याद रखिएगा टू ड्राई ग्राउंड मतलब ड्राई ग्राउंड की ओर उसको कैरी करके ले गया उसको लेकर गया वो जो पत्ता था उसने ड्रॉप किया था जस्ट एट टाइम उसी समय अ हंटर एक शिकारी नियर बाय पास में ही वॉज थ्रोइंग फेंक रहा था आउट हिज नेट थ्रो आउट का मतलब होता है फेंकना अपनी जाल को टूवर्ड्स द डव किसकी ओर फेंक रहा था की ओर फेंक रहा था होपिंग टू ट्रेबिट उसको पकड़ने की आशा से उसको पकड़ने की उम्मीद से भाई स्टोरी खत्म ही होने वाले ध्यान से सुनिएगा बहुत शानदार स्टोरी है सो जस्ट एट द टाइम अ हंटर एक शिकारी नियर बाय पास में ही वॉज थ्रोइंग फेंक रहा था आउट हिज नेट अपनी जाल को टुवर्ड द डव किसकी ओर की ओर होपिंग टू ट्रेबिट उसको पकड़ने की आशा से उसको पकड़ने की उम्मीद से गैसिंग अनुमान लगाकर वट ही वॉज अबाउट टू डू है ना गैसिंग मतलब अनुमान लगाकर या अनुमान लगाने के बाद वॉट जो ही वॉज अबाउट टू डू जो वो करने वाला था उसने गेसिंग कर लिया किसने चीटी ने एंड uh, uh, bit, मतलब क्यूकलीटना बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट और थर्ड होती है बिटन तो ये देखो बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट क्यूकली बिट ऑन हिज हील उसकी हील पर उसकी एडी पर काट लिया किसने चीटी ने तुरंत काट लिया कि यार ये कबूतर को पकड़ने वाला है तो उसने तुरंत उसको काट लिया फीलिंग द पेन दर्द महसूस होने से द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट हंटर ने अपनी जो लाइक like नेट थी उसको ड्रॉप कर दिया छोड़ दिया द डब वॉज क्यूक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी तो द डब वॉज क्यूक मतलब तेजी से फ्लाई अवे दूर उड़ गई टू सेफ्टी सुरक्षा की ओर सुरक्षा की ओर तेजी से वो वहां से उड़ गई तो यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा मॉरल आपको देखने को मिल रहा है यू कैन सी द मॉरल ऑफ द स्टोरी वन गुड टर्न डिजर्व अनादर मतलब अगर आपकी भाषा में कहे तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है इफ यू हेल्प सम वन यू ऑल्सो यू आर ऑल्सो हैल्प इन रिटर्न और अगर आप सिर्फ ये सोचते हो इफ यू थिंक यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प एनी वन And the people will come forward to help you. Then this is not possible. This is such a moral that we are learning from this beautiful story, dearest friends. Right now, what you have to do is that just try to speak this story in your own words. Start this story from you that once upon a time there was an ant and she was thirsty and she was looking for water. But she could not find water anywhere. Finally, she reached to a spring and in order to reach the spring she climbed up a bright blade of grass but she slipped and fell into water at that time a dove was watching everything and the, the dove thought that i am supposed to help this poor uh, little creature and that's why the dove quickly plugged off a leaf and uh, Dropped it into the water near the struggling ant. Now the ant quickly uh, climbed up the uh, what I can say on the leaf, and uh, soon the leaf carried the uh, dove to the uh, dry ground. Now in this way, the dove helped the uh, helped the ant. We can say now when the ant came out from the water, uh, she saw that a hunter was throwing out his net towards the dove in order to cage it. Now she understood everything, and she beat quickly on his hill, and now the dove uh, ran away from there the dove quickly flew away from there so we learn from this stories that uh, uh, in this story we find in the beginning uh

So I insist to all of you to speak this story in your own words just after reading it. And trust me, while you're speaking, do not uh, never care about your mistakes. In the beginning, you guys are going to make mistake and it's part of learning. So do not think about it; just speak in your own words. My best wishes are with you, and I guarantee, if you are the student of Persona Institute, I guarantee you are going to learn something new from here. I will meet you in the next video. Till then, Tata bye. Have a good day.